चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद चांद को लेकर के लोगों की उत्सुकता चरम पर दिखाई दे रही है। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर चांद के भीतर क्या है, क्या वहां एलियंस रहते हैं। भारत चांद के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। हाँ, चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश है। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस भी चांद पर कदम रख चुके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को उत्सुकता दिखाई देती है एलियंस को लेकर के। लोग जानना चाहते हैं कि क्या वाकई चांद पर एलियंस का बसेरा है, आखिर इसके कुछ सबूत भी मिलते हैं, वाकई चांद पर एलियंस हैं, लेकिन उनकी तस्वीरें क्यों नहीं दिखाई देती। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रज्ञान भी एलियंस की खोज करेगा, लेकिन अभी ये बात दूर की साबित होती है, क्योंकि अभी तक जितने भी चांद पर मिशन चलाए गए हैं वहां पर कभी एलियंस साफ साफ किसी को दिखाई नहीं दिए। इसका एक और उदाहरण देखने को मिलता है 20 जुलाई 1969 को। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का अपोलो 11 मून मिशन पर चांद पर पहुंचने में सफल हुआ था, जो एक ह्यूमन मिशन था। चांद पर पहुंचने वाले नील आर्मस्ट्रांग पहले अंतरिक्ष यात्री थे। इसके बाद मात्र 3 साल में 5 बार अमेरिका ने चांद पर अपना मिशन भेजा। 1972 के बाद अमेरिका ने चांद पर अपना मिशन भेजना बंद कर दिया। स्पेस सेक्टर में दिलचस्पी रखने वालों को यह सवाल अब तक परेशान करता है कि अमेरिका ने चांद पर मानव मिशन फिर क्यों नहीं भेजा। हैरान कर देने वाली बात यह है कि चंद्रमा पर सबसे पहले इंसानों के पहुंचने की रिकॉर्डिंग भी गायब हो गई थी। इनमें चांद पर घूमने तक से लेकर वापस आने और चांद के वीडियो शामिल थे। इसके रॉ टेप्स गायब हो गए थे। इसके बाद माना गया कि चांद पर एलियन की मौजूदगी है। माना जाता है कि गायब हुए टेप्स में कुछ ऐसा था जिससे चांद की सच्चाई के बारे में दुनिया को पता चल सकता था। ये भी दावा किया गया कि चंद्रमा पर शायद कुछ अलग था या वहां पर एलियंस रह रहे हों। ये बात भी की गई कि चांद पर घूमने वाले अंतरिक्ष यात्रियों से एलियंस की मुलाकात हुई थी। तब किसी भी चीज का लाइव टेलीकास्ट नहीं दिखाया जाता था, बल्कि रॉ फुटेज को एडिट करने के बाद दिखाया जाता था। अमेरिका पर आरोप है कि उसने असली टेप को छिपा दिया और जितना जरूरी था उतना ही दिखाया। बताया जाता है कि अपोलो मिशन के दौरान चंद्रमा के अंदर की हलचल के बारे में जानने के लिए सिस्मोमीटर फिट किया गया था। इस दौरान सतह से 20 से 30 किलोमीटर नीचे कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। वहां पर अलग अलग तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे नीचे कोई घंटी बज रही हो। दूसरे ग्रहों से धरती पर UFO यानी उड़न तस्तरी उतरने की अब तक कई खबरें सामने आ चुकी हैं। दावा किया जाता है कि एलियंस धरती पर हजारों साल से आ रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इन एलियंस के आने के संकेत दिए हैं, तो कुछ कहते हैं कि एलियंस पहले से ही धरती पर इंसानों के साथ रह रहे हैं। कहा जाता है एलियंस इंसानों पर रिसर्च कर रहे हैं। इन घटनाओं के चलते एलियंस के धरती पर आने के मकसद से लेकर धरती पर मंडरा रहे खतरे को लेकर के कई रिपोर्ट में अनुमान लगाए जा रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि जो भी हो, धरती पर बार बार आने वाले इस आसमानी आफत का एजेंडा शांतिपूर्ण तो कतई नहीं है। लेकिन प्रज्ञान रोवर को लेकर के भी अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई प्रज्ञान वहां पर एलियंस का भी पता लगा सकता है, क्या वाकई एलियंस की गतिविधियों को रिकॉर्ड कर सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से चांद पर मानव मिशन बंद है। कोई भी देश अभी तक मानव मिशन की शुरुआत नहीं किया है। अमेरिका ने 53 सालों से बंद कर रखा है, इसलिए कई सवाल उठने लाजमी हैं। VideoDesk, AmarUjala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।